फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अक्षय कुमार को 29 साल हो गया है और 29 साल के अपने फिल्मी करियर के दौरान अक्षय कुमार ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। आज अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक माने जाते हैं, लेकिन अब अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी सफर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर कर दिया है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि अभिनेता अक्षय कुमार ने 29 साल बाद एक बड़ा राज खोला है और ये राज ताल्लुक रखता है अभिनेता अजय देवगन से। बताना चाहेंगे, अक्षय कुमार इस समय अपनी आने वाली फिल्म सूर्यवंशी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं और सूर्यवंशी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। अक्षय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म अक्षय से अजय देवगन ने छीन ली थी। अक्षय कुमार ने आगे बातचीत करते हुए कहा, हम दोनों ने अपना करियर साथ में ही शुरू किया था। ऐसा शुरू किया था कि एक ही फिल्म के लिए दोनों लड़े थे। पहली फिल्म जो हमारी थी फूल और कांटे, जिसमें पहले मैं था, फिर मुझे धक्का मारकर इसने ले लिया। हालांकि अक्षय कुमार इस बारे में हंसते हंसते बता रहे थे। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अक्षय अजय ने अपनी दोस्ती के कई किस्से भी साझा किए। इस दौरान रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी और करण जौहर भी मौजूद थे। अक्षय और अजय की मस्ती को देख कर वहाँ पर मौजूद लोग भी खुशी से उछल पड़े। वैसे देखा जाए, अगर इन दोनों सुपरस्टारों के अगर डेब्यू फिल्म की बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं साल 1991 में आई फिल्म सौगंध के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किए थे अक्षय कुमार, तो दूसरी ओर फूल और कांटे के जरिए अपना फिल्मी करियर शुरुआत करने वाले अजय देवगन पहली फिल्म के साथ ही उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। फिल्म सौगंध की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय के साथ अभिनेत्री शांति प्रिया भी थी। इसके अलावा अभिनेत्री राखी ने भी फिल्म में अक्षय की मां का किरदार निभाया था। वहीं उसी साल नवंबर में अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय के साथ अभिनेत्री मधु मुख्य भूमिका में थी और कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार फूल और कांटे से अपना फिल्मी करियर शुरुआत करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म अक्षय को नहीं अजय को मिल पाई। इसी के साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे, अजय और अक्षय आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने कई साथ फिल्मों में काम भी किया है। इन दोनों रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी में ये दोनों सितारे नजर आने वाले हैं और अक्षय और अजय के अलावा इस फिल्म में रणवीर सिंह का भी कैमियो अपीयरेंस लोगों के सामने पेश होने वाला है। यह फिल्म 24 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।